कमजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप लोगों की इल्मी अदालत में मुकम्मल मुकाम कैसर खालिद साहब। अर्ज किया है कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जा में कहीं रोशनी तो रहे, और यह है दौरे हवस। लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। शुक्रिया, मेहरबानी। तो सर हम आपके कलाम पे बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के परिवार में आप पले बढ़े और किस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपकी शुरुआती जो एजुकेशन रही वो कैसी रही? देखो, ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी पैदाइश जो है वो देहात की है, गांव की है। और बिहार में तो अभी भी एज ऑफ नाउ भी अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर तो लोग देहातों में गांव में ही रहते हैं। सो जो नियरेस्ट टाउन है उससे हमारा गांव अंदाजन कुछ 16 किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर हुआ करता था। हमारे गांव का नाम पदमपुर था, एक हमारी छोटी सी जमींदारी थी वहां पे, और जिसको कहते हैं कि चूंकि जमींदार इलाके में कुछ एक ही होते हैं, तो एक ऐसा खानदान था जिसको सारे लोग जानते थे, और रिश्तेदारियां चूंकि जमींदारों के जमींदारों में हो जाती हैं, तो उस हिसाब से पूरे इलाके में एक ऐसा था कि लोग उस खानदान को जानते थे। और उस वजह से क्या था कि चूंकि काम करने पड़ते थे, जमीनों के चीजों को देखना पड़ता था, और एक लीडरशिप की पोजीशन आपकी रहती है, तो तालीम का इंतजाम, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम वो एक नेचुरली आ जाता है उसमें। तो पुराने वक्तों में तो जो तालीम हुआ करती थी वो शुरू में तो आप ये समझिए मकतब जिसको हम कहते हैं ना, जो जिसमें आप अरबी पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, थोड़े बहुत हिसाब को पढ़ते हैं। उसके बाद ये हुआ कि मेरी माँ ने महसूस किया कि भाई अब ट्रेडिशनल एजुकेशन से सब काम नहीं चलने वाला है, तो मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। तो जो गवर्नमेंट का स्कूल था, अच्छा स्कूल, वो मेरे ननिहाल के इलाके में था, तो मुझे मेरी माँ ने वहाँ पैक कर दिया। अंदाजन कुछ 5 साल हूँगा मैं, क्योंकि मुझे याद है कि 1977 में वहाँ एक बिल्डिंग बन रही थी, उसकी याददाश्त मुझे है, उसकी याद है, हम लोग जाते थे और उसका फाउंडेशन लिया जा रहा था। तो अंदाजन 5-5 साल की उम्र में मैं पैक कर दिया गया अपने, ये समझिए कि ददियाल से अपने ननिहाल पे पढ़ाई के लिए। तो ये हिजरतों का सफर जो है वहां से शुरू हुआ है। तो बस ये बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद वहां से हमारा स्कूल था, वहां 7वीं तक की पढ़ाई की गांव में, फिर 8वीं में हाई स्कूल हो जाता था उस जमाने में, तब ये जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नहीं हुआ करते थे। तो अररिया हमारा अब तो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, उस वक्त सब डिविजन हुआ करता था, जो बिहार में है, राइट सर? जी बिहार में है, बिहार में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बिहार में। बहुत सारे लोग पूछते अररिया किधर है, तो बहुत बार मैं बताते रहा कि भाई नेपाल और बंगाल के नजदीक में है, लोग नहीं समझते थे, अमूमन वो यूपी के पास लेके जाते थे उसको। तो फिर मैंने एक बार सोचा और मैंने कहा दार्जिलिंग के पास है, उसके बाद किसी ने फिर मुझे सवाल नहीं किया अच्छा किधर है अररिया। तो अंदाजन जो एयरपोर्ट है बागडोगरा, उससे 135 किलोमीटर दूर अररिया डिस्ट्रिक्ट है। फिर मेरी वहां से पढ़ाई हुई, फिर साइंस कॉलेज पटना, थोड़े बोर्ड में नंबर ठीक ठाक आ गए तो साइंस कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन हो गया। तो साइंस कॉलेज पटना, फिर पटना कॉलेज, और फिर पटना यूनिवर्सिटी, ये करते कराते ये सफर अभी भी चल रहा है पढ़ने का, लेकिन अब वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है जी। तो सर एक बात हमें बताइए कि ये जो सिविल सर्विस के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इधर जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है आपको? सिविल सर्विसेज की प्रेरणा असल में पूछो तो क्या था कि हम लोग ना जब गांव में थे और गांव के स्कूल में थे, तो हमारे पास दो छुट्टियां हुआ करती थी ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी की जी। तो उस दिन हमारा मामूल ये हुआ करता था कि हम लोग अररिया चले जाते थे घूमने के लिए, यू नो, गांव के बच्चों का एक रहता है। तो अररिया आप चले गए तो आपने शहर तो बहुत बड़ा नहीं था, घूम लिया, उसके बाद जो है थोड़े मूवी हॉल देख लिए। उस जमाने बच्चों के लिए बड़ा बड़ा था वो शहर, बड़ा उस जमाने में क्या होता है, फ्रेम्स आती थी इसके पोस्टर्स की ना, जो हॉल में लगी रहती थी, कुछ कुछ फ्रेम जैसे फोटोग्राफ्स होगा ना, तो हम लोग वो देखते थे।
तो जब आप गुजरते थे अररिया के सिविल लाइन से तो वहां पे एसडीओ और तब एसडीपीओ इन दोनों के बंगले हुआ करते थे, फिर सर्किट हाउस हुआ करता था एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, वो सारे ऑफिसेस हुआ करते थे, तो उनको देख के बड़ी नाम की पट्टी लगी रहती थी। तो ये लगता था कि इसके अंदर कौन रहता है, यू नो, बहुत बार जो है उसमें पुलिस का गार्ड लगा रहता था। फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि हम क्लास चौथी क्लास में होंगे कि हमारे स्कूल में तब वहाँ के जो एसडीओ थे, जिसको एसडीएम कहते हैं कई जगहों पे, उनका उनकी एक विजिट हुई, उनका एक प्रोग्राम हुआ। वो आईएएस ऑफिसर थे और डायरेक्ट जिसको कहते हैं आईएएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने ज्वाइन ही किया था। तो उन्होंने एक हमें एड्रेस भी किया, तो यू नो जैसे आप समझो कि फिल्म के किसी एक्टर वगैरह को लोग कैसे देखते हैं और से, तो बिल्कुल ऐसा था। हम लोगों ने उनको देखा, उनकी बात सुनी, और फिर जहन में तब ये ख्याल आया कि नहीं, हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो एक गांव में जहाँ लोगों के सपने बड़े छोटे हुआ करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यही ज्यादा ज्यादा लोग सोचते थे बनने के लिए, मैंने एक दूसरा सपना देखना शुरू किया कि मुझे इन लोगों जैसा बनना है। और ये समझो चौथी क्लास से ये जहन में ये बात आई, और तब तक सुकून उसने नहीं लेने दिया जब तक ये सिविल सर्विस के रिजल्ट में अपना नाम नहीं देख लिया। जी जी, मैंने अक्सर देखा भी है कि आप सोशल एज ए इनिशिएटिव बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा आप काम करते हैं उसके लिए भी, समाज में बदलाव की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का मतलब आप चाहते हैं, और वो कैसे आप उसमें कुछ जो भी आप कोशिश कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं? राहुल, मैंने ये देखा कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए, हिंदुस्तान ज्यादातर अभी भी गाँव में ही बसता है या फिर शहरों के उन मोहल्लों में बसता है जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला नहीं था। और ये पिछले 30 सालों में ये सिचुएशन या 40 सालों में बहुत ज्यादा बदली नहीं है। जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो आज भी अंडर प्रिविलेज्ड है। अगर आज के इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो तो उसमें फ्रंट पेज पे एक न्यूज है कि दलित ट्राइब्स और मुस्लिम्स जो है उनका प्रोपोर्शन जेलों में बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन इन देयर शेयर इन पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन। तो जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है उनको बहुत ज्यादा कोई गाइडेंस करने वाला आदमी नहीं है। हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर करते करते यहाँ तक हम यहाँ तक पहुंचे। तो मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि जब सोसाइटी ने इतना कुछ मुझे दिया है तो कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस करना चाहिए, वापस करना चाहिए। और हर आदमी को फिर अपना कोर कॉम्पिटेंस देखना चाहिए कि वो किस एरिया में काम कर सकता है, जहाँ वो अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सकता है, जहाँ वो कुछ चेंज ला सकता है। तो मैंने ये महसूस किया कि मैं लोगों को करियर काउंसलिंग, गाइडेंस, जिंदगी के बारे में जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं उन पे, या सोशल हार्मनी, लोगों के जो मिसगिविंग्स हैं एक दूसरे के बारे में उसको दूर करने में, एक प्लेटफॉर्म में लोगों को लाने में, थोड़ी बॉन्डिंग को मजबूत करने में, अपने लैंग्वेजेस, अपने कल्चर को रिवाइव करने और इसको स्ट्रेंथन करने के, ये वो चीजें जो मैं कर सकता हूँ और मैं इस नौकरी में रहते हुए कर सकता हूँ। तो फिर हमने इसको ही चूज किया एज मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और अब तुम देखते हो गए, अब तो सैकड़ों वीडियोस उसके आ गए। बिल्कुल, जाके बच्चों से हम बात करते हैं। तो आपको सर याद है आपने अपना पहला कलाम कब लिखा, और ये शुरुआत, ये दौर जो आपका जो साहित्य की ओर जो ये झुकाव था ये कब से, थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताइए। ये दरअसल अगर मैं इसकी रूट को ट्रेस करूँ ना तो कुछ ऐसा हो जाए कि बचपन से मुझे जरा पढ़ने का शौक हुआ करता था, काफी हुआ करता था। इस हद तक के कोई किताब, कोई मैगजीन जो घर में होगी कहीं से भी आएगी उसको मैं पढ़ लूंगा। अब उसमें कई बार डांट भी सुनी, फिल्मी मैगजीन पढ़ते हुए पाए गए, और सामने तो शौक भी होता था ना फोटो काट के चिपकाने का। फोटो काट के चिपका दी तो मैगजीन तो खराब हो गई, तो उसमें फिर बहुत सारी कहानियां होती थी अलग अलग किस्म की। और उसके बाद फिर एक उर्दू के बड़े राइटर हुए जासूसी नॉवेल्स के, इब्न सफी। इब्न सफी बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते थे। मेरे वालिद को इब्न सफी पढ़ने का शौक था, तो किताबें लेके आते थे, तो वक्त बेवक्त नजर बचा के मैं भी उनको पढ़ लिया करता था। तो अब जब आप कहानियां पढ़ोगे या दास्तानें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। अब किसी की दास्तान हो रही, समझो अफगानिस्तान में सेट है वो, तो मैं तो अफगानिस्तान कभी गया नहीं, तो मैं उसको पढ़ के मैं तो सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई ऐसा पहाड़ है, ऐसा मैदान है, ये घोड़ा है, ऐसे ट्राइब्स हैं, ये लोग हैं,
या कोई अपने सफर की कहानी पेरिस में घूम रही है या लंदन में जा रही है या अमेरिका में कहीं सेट है या समझो मार्स पे चली गई, एक स्क्रीन पे चल रहा है आपके दिमाग में, आप पढ़ते जा रहे हैं, वो जहन पे चल रहा है ना, तो वो आपकी इमेजिनेशन को बहुत मजबूत कर देता है वो। फिर दूसरी बात ये हो गई कि चूंकि हम लोग तो गाँव और छोटे शहरों के लोग थे, तो अब जैसे फिल्मों में क्या होता है, फिल्म के मैगजीन में आपने पढ़ा, अरे इस पार्टी में ऐसा हो गया, यहाँ वैसा हो गया, तो धीरे धीरे करके आप ना उन चीजों को इमेजिन करने लगते हैं कि ये चीजें ऐसी हुई होंगी, तो इमेजिनेशन उससे आपका डेवलप हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब इमेजिनेशन आपका डेवलप हो रहा है तो आप ये चाहते हैं कि आप उसको कहीं एक्सप्रेस करें, कभी आप पढ़ के, कभी आप बोल करके, कभी आप लिख करके इन हवालों से एक सिलसिला शुरू हो गया। तो ये तो याद नहीं कि पहला कब लिखा, लेकिन ये है कि पढ़ने का इतना शौक था और वो शौक ये समझो कि मतलब एंड तक, बल्कि आज तक है। आज भी अगर मैं कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, कोई वर्ड आ गया, कोई लफ्ज आ गया, कोई इलाका आ गया, तो मैं उसको रोकूंगा और मैं जाकर उसको सर्च करूंगा। कि अभी जैसे एक रिसरेक्शन अर्थब्रूल की एक बड़ी सीरीज है, ये लॉकडाउन में मुझे उसको देखने का इतफाक हुआ, उस 500 एपिसोड है उसके, तो अब मैं रोक रोक के देखता था मंगोल कहाँ से आए, कहाँ शुरू किया, उनका लीडर क्या था, कौन से बैटल कहाँ पे हुई, शहर किधर है, पहाड़ किधर है, वो जंगल किधर है, वो दरिया किधर है। तो नो, ये सिर्फ आप देख नहीं रहे हैं, आप साथ ही साथ एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में रहता है। और फिर जब इस नौकरी में आ गए, तो इस नौकरी का जो बड़ा तुफेल और बड़ा कर्म मुझ पे है, इसके अलावा कि इसने एक इज्जत की जिंदगी भी दे दी है और लोगों को, लोगों की खिदमत का मौका दिया, इसने लोगों के दुख दर्द सुनने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। अच्छा, दुख दर्द सुनने में क्या होता है कि सामने वाला तो आपको एक इंसानी रिश्तों की कोई कहानी बता रहा हो, उसके साथ कहीं कोई चोट हो गई, कहीं धोखा हो गया, कहीं फ्रॉड हो गया, कोई रिलेशनशिप टूट गई है, किसी ने किसी को मार दिया है, कोई दर्द है, कोई पेन है, कोई मिसगिविंग है, कोई फेयर है, ये तमाम चीजें जो पुलिस में आती हैं या फॉर दैट मैटर आप समाज में देखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानी रिश्तों की कहानियां हैं। हर क्राइम में कोई ना कोई रिश्ता कहीं ना कहीं टूट रहा है या कोई ना कोई रिश्ता कहीं बन रहा है, उस वजह से वो चीज होती है। तो लोग चले जाते थे, मैं उनकी जो मदद कर सकता था करता था, लेकिन फिर मैं ये सोचने लगता था कि ऐसा ही क्यों हुआ। मैं इसकी एक मिसाल ऐसे अगर दूं कि हम लोग जब ट्रेनिंग में थे ना नेशनल पुलिस अकेडमी में हैदराबाद, तो हमारा एक पेपर होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, पुलिस में फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना होता है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में जो पेपर है वो शुरू होता है आदमी के मरने से, डेथ से स्टार्ट होता है, और डेथ के बाद बॉडी कैसे कैसे डिकम्पोज होती है, कहाँ कैसे जाती है। अब जब अमूमन डेथ पे क्या होता है कि हम उसको या तो दफना देते हैं या उसको हम जला देते हैं, मतलब उस बॉडी की कोई बेहुर्मती नहीं होती है, नो, सेफ हो जाती है। लेकिन अगर उस बॉडी, वो बॉडी पूरी तरह से बेयर है, नंगी है आपके सामने और आप एक चीज को देख रहे हैं, तो कई बार मैं ये सोचता था कि क्या इंसानी जिंदगी का एंड यही है। फिर हमें एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग पोस्टमार्टम दिखाने के लिए ले जाया जाता है। अब पोस्टमार्टम रूम, खुदा ना करे किसी को जाने का इतफाक हो, लेकिन अगर आप कभी गए और आप देखो एक बड़ा सा हॉल होता है, पत्थर की सील होती है, और हम लोग गए हॉस्पिटल में, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हैदराबाद, तो डॉक्टर साहब आए। अच्छा, मजे की बात क्या है कि जब कभी आप फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में जाओगे ना, तो चूंकि वहां पे लाशें रखी रहती है ना, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज जो होती है वो रखी रहती है, तो वो वेरियस स्टेजेस डिकम्पोजिशन सेट इन हो जाता है बहुत दिनों तक अगर है, तो जैसे आप देखिए बहुत स्टेंच स्मेल आएगी आपको, बहुत रिपेलिंग किस्म की। और नॉर्मल आदमी को जल्दी वहां घुसना आसान नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमें तो जाना था ट्रेनिंग में, तो हम गए, तो वही लोग बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब एक तरफ जिंदगी चल रही है और एक तरफ मौत है। सही बात है। और एक कोरिलेशन उनका कैसा है ये बात समझ में नहीं आती है। खैर, हम लोग चले गए, फिर हमें हॉल में ले जाया गया, पहले ब्रीफिंग हुई कि भाई ऐसा ऐसा होता है, फिर पूछा कि आज क्या है, जैसे किसी होटल में आप जाओगे तो आप पूछते मेनू क्या है, व्हाट्स ऑन द मेनू, अच्छा 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 हाँ, आज क्या है, तो बोले साहब वो एक एक्सीडेंट हो गया, 4 डेड बॉडीज आई है, डेड बॉडीज, तो ठीक है निकाल के लाओ, तो एक औरत की बॉडी लाई गई,
फिर हमें प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है, कैसे क्या देखना चाहिए, डेथ का कितना घंटा हो गया, बॉडी में जिसको रिगर मोर्टिस कहते हैं वो कैसा आ जाता है, बदन अकड़ कैसे जाता है, कपड़े कैसे नहीं निकल पाते, फिर उसको काट के निकाला गया, तो वो तो बिल्कुल टेबल पे है। अब मैं यही सोच रहा था कि क्या यही लाइफ जर्नी बनते ही है, एक दिन ऐसा होना है कि खत्म हो जाना है और खत्म होने के बाद इस टेबल पे आना है और इस टेबल पे आकर के ये हाल होना है, फिर कपड़े काट के निकालने हैं। तो एक लफ्ज है हमारे लिटरेचर में, इज्जत कहते हैं, यू नो डिग्निटी। इज्जत क्या है, हाउ डू यू डिफाइन दैट? क्या इज्जत ये है कि मैं किसी को, तमाम उम्र आदमी अपनी इज्जत छुपाता है, ढकता है अपने बदन को और खुला हुआ है, बिल्कुल, फिर ये खोल दिया जाता है, फिर ये खोल दिया जाता है। मतलब वो ऐसा दिन था जिसमें कई दिनों तक मुझे खाना नहीं खाया गया और मैं सोचता रहा कि क्या ये क्या है, क्या है, एंड हमारा लाइफ का जर्नी कैसा है और हमारा अंजाम क्या है, हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। खुदा ना करे कि ऐसी कोई मौत आए किसी को, लेकिन मौत बहरहाल सबको आनी है, एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे, और फिर तमाम लाइफ की प्रायोरिटीज उसे, मतलब अब ये कहिए कि रीचेकिंग, रीअसेसमेंट करना पड़ा मुझे कि लाइफ क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है और मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा एंड क्या है और ये सब करने के बाद भी क्या हासिल होने वाला है। तो ये बड़े तकलीफ के सवाल होते हैं, परेशान कर देते हैं इंसान को, और फिर वहां से क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके अंदर से उभरते रहता है। तो ये किस्म का ऐसा समझिए जैसे दरिया में सैलाब आ रहा है, आपने बांध बांध रखा हुआ है, तो पानी चढ़ रहा है चढ़ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस बांध को वो तोड़ देगा और वो निकल पड़ेगा, तो उस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे। जी तो ऐसे ही जी, तो आपने हिंदुस्तान में आपने कई बड़े मुशायरे जो हुए उन्होंने उसमें आपने शिरकत की है, आपको याद है आपका पहला मुशायरा कौन सा था? दरअसल क्या हुआ कि जब लिखना शुरू कर दिया ना, तो बहुत दिनों तक तो दोस्तों को सुनाता रहा ऐसे, देखो ये ख्याल है, एक थॉट आया है। अच्छा, दिल टूटने और जुड़ने का सिलसिला जो इंसान की जिंदगी में चलते रहता है, और जब मैं दिल टूटने की बात करता हूँ तो सिर्फ मैं प्यार की बात नहीं करता हूँ जो किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी से, किसी लड़के को लड़की से होता है, दिल बहुत सारी चीजों पे टूटता है, जहाँ आपकी उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें उस हिसाब से पूरी ना हो तो दिल टूटता है। किसी आदमी को जिसको आप बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो आपको कुछ कहते हैं तब दिल टूटता है। आप जिस चीज के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो चीज आपको हासिल नहीं हो जाए तब दिल टूटता है, धोखा हो जाए तब दिल टूटता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें दिल टूटते रहता है। तो अब जब लिखना शुरू किया तो लोग दोस्त मिल जाते थे, कहते थे, फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो है आप पढ़ना शुरू करो इसको। अच्छा, पहले हिम्मत भी नहीं होती थी क्योंकि मुशायरे का मैदान ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े धुरंधर लोग होते हैं और वो रंग जमाए हुए रहते हैं। लेकिन फिर कंटेंट जब ये देखा कि अपना कलाम दूसरों से बहुत अलग है, तो मैं समझता हूँ कि 2011 के आसपास पब्लिकली उसको मैंने सुनाना शुरू किया। और बहुत सारी चीजें भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है, तो मैंने हमेशा क्रिटिसिज्म को इस हिसाब से लिया कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर उसमें कोई कमी है, कोई कमजोरी है, बयान में कोई इशू है, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। बल्कि ये हुआ कि एक सीनियर शायर ने एक बार मुझे मशवरा दिया कि मैं कुछ शेर पढ़ रहा था कि अब इसको अगर ऐसे कर लेते तो क्या अच्छा नहीं होता। मैंने उसको सोचा, मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं, बयान जो जोर बयान में और ताकत आ जाती। तो फिर मैंने उनको कहा आप किधर हैं, कहाँ रुके हुए हैं? तो वो किसी लॉज होटल में रुके हुए थे, तो मैं उनको लेकर आ गया अपने पास और फिर हम बैठ करके डिस्कशन करते रहे। जो तब तक मैंने दो डायरी के आसपास लिख ली थी, एक दो डायरी पूरी मेरी भर चुकी थी। मैंने उनको दिखाया कि सब ऐसा मैंने लिखा हुआ है, तो उन्होंने सुना और फिर मुझे कहने लगे कि क्यों मशवरा दें। मैंने कहा बिल्कुल दीजिए। उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो आपने लिखा है इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अच्छा, मैंने उनकी तरफ देखा कि उस वक्त रात के 4 बज रहे होंगे सुबह के, कि मतलब ये हैं अपने होश आवाज में, मैं भी अपने होश आवाज में हूँ कि नहीं। बहरहाल जी, मैंने उनको पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आपके अंदर जो है कैपेबिलिटी है, आपकी फिक्र है, आपकी सोच है, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे वो उतना शार्प होगा, वो उतना बेहतर होगा, और आपके अंदाज़े बयान में, आपके तर्ज़े इजहार में,
कहने के तरीके में और फोर्स और पावर आएगा। बल्कि यूं समझ लीजिए जैसे हीरा है ना, तो हीरे को जब तक तराशिएगा नहीं तब तक उसमें चमक नहीं आएगी, चमक नहीं आएगी बिल्कुल। तो मैंने उस मशवरे पर आज भी अमल कर रहा हूँ, उस वक्त से अमल करना शुरू कर दिया कि मैं जो भी लिखता था उसको मैं पहले सीरियस प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म में गुजारता था। कैसे? कि क्या जो मैंने लिखा है उसमें कुछ नयापन है, क्या ये थॉट नया है, क्या इसको बरतने का अंदाज नया है, जो मैं कह रहा हूँ क्या इसके पहले किसी ने कह दिया है, अगर किसी ने इसके पहले कह दिया है तो फिर मैं उसको काट देता हूँ, वो कलाम नहीं होगा। फिर उसके कहने के तरीके में किसी से मैं मुमासिल हो रहा हूँ, सिमिलर हो रहा हूँ, तो फिर उसमें मैं चेंज करूंगा। और अगर समझिए कि 25 शेर लिखे गए हैं तो हो सकता है 8-10 शेर ही उसके बाद वो पब्लिक में आए, बाकी काट दिए जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर जो अच्छे लोग हैं जिनको समझ है उनसे बहुत सारा डिस्कशन मेरा रहता है। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज पे अटक जाऊं तो फिर मैं सारी लुगत खंगाल डालूंगा कि ये लफ्ज बरतने का तरीका क्या है, इसमें इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, और अगर कहीं उसमें दुश्वारी है तो जो बड़े लोग हैं जानकार हैं फिर उनको फोन करूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये लफ्ज जो है गालिब ने कैसे या मीर ने कैसे या फैज ने कैसे या फराज ने कैसे इकबाल ने कैसे बरता है, हमें कुछ याद होगा। फिर वो कुछ बताएंगे कि नहीं जोश ने भी इसको ऐसे लिखा था, तो क्या ये रवा है, रिवाज है इसका, ये सही है। तो करते करते क्या हो जाता है कि धीरे धीरे कलाम में जिसको आप पुख्तगी कहते हैं, पुख्तगी आती है, और वो फिर कलाम ऐसा हो जाता है कि जो आपका अपना जिस पर जिसको छाप स्टाम्प फिल्टर हो जाता है, हाँ बिल्कुल, वो स्टैंपिंग हो जाती है। तो बस ये सिलसिला चल रहा है आज तक जी। आपकी कई सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और एक साहित्य अकादमी अवार्ड भी आपको मिला हुआ है, तो उसके बारे में वो अवार्ड के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे रहा वो सिलसिला, वहां तक कैसे आप पहुंचे? ये जो है दरअसल जब लिखना शुरू किया तो कभी इस उम्मीद से नहीं लिखा कि इसमें कोई अवार्ड मिलेगा या इसका कुछ आगे जाएगा। बुनियादी तौर से ये सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, आदमी जब लिखता है, और मैं समझता हूँ मैं जब लिखता हूँ तो ये मेरे अंदर मेरे जहन में जो चल रहा है उसको शेयर करना। बल्कि बड़े शायर कहते हैं कि जब आप बीती जग बीती बन जाए तो समझो कि आप जो है वो नब्ज पे हाथ है लोगों के आपकी। तो पहला तो ये शुरू करता हूँ। दूसरा कि महाराष्ट्र स्टेट का जो साहित्य अकादमी है, मेरी पहली किताब जब आई थी तो उस पर उन्होंने अवार्ड दिया है, और दूसरी किताब जब अभी कंसिडरेशन जोन में है तो मुझे लगता है कि उस पर भी अवार्ड कुछ मिल जाएगा। मेरी पहली किताब दश्ते जहाँ है, शऊर असर है पहली किताब, और दूसरी किताब दश्ते जहाँ है, और दोनों किताबों में जो मैंने प्रीफेस लिखा है उसमें यही है कि एक ऐसा माइंड है जो कि वंडर कर रहा है, वो फिर रहा है, बेकरार है, और वो जिंदगी के उतार चढ़ाव इन सब से गुजर रहा है, वो वैल्यूज को बदलते देख रहा है, बनते और टूटते देख रहा है, सो इंसानी रिश्तों को जुड़ते और बिखरते देख रहा है। बुनियादी तौर से एक ऐसा इंक्विजिटिव माइंड जो चीजों को देखता है और देखने के बाद उस पर उसके अलग अलग डायमेंशन पर गौर करता है। तो इसीलिए मेरी शायरी में बहुत बार आपको वो जो मोहब्बत एकदम से आम मोहब्बत वो नहीं मिलेगी, उस मोहब्बत के पहलू मिलेंगे, उसकी रिलेशनशिप के ऐसे ऐसे चीजों मिलेंगे, ऐसी चीजें मिलेंगी, उसके पर ऐसा टेक मिलेगा जो शायद हर जगह आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप मेरा एक शेर है कि ज्यादा रास ना आई किसी को खुद गरजी, ज्यादा रास ना आई किसी को खुद गरजी, मोहब्बतें भी मोहब्बत के कारोबार में रख। क्या बात है, क्या हो, मोहब्बतें भी मोहब्बत के कारोबार में रख। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टेक है कि वो चीज वो नहीं होगी जो कि सीधा आप समझे कॉलेज में एक लड़का एक लड़की को, एक लड़की हाँ, एक लड़की बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लाइफ पे बिल्कुल डिफरेंट चीजों पे सोचता हूँ, देखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ जिस रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं उसे थोड़ा सा मैं दूर जाऊं। और इसी वजह से फिर हमने क्या किया कि और हमारे जैसे हम ख्याल लोग जो हैं, चूंकि हमको बहुत बार जाने का इत्तेफाक होता था प्रोग्राम्स में फंक्शंस में, तो हम वहाँ जो लिटरेचर सुनते थे, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देखते थे, हमको लगता था कि जो चीजें हम पढ़ के आए हैं और जो जिसको आप कहिए कि हमारे माइलस्टोन्स हैं लिटरेचर के, चाहे हिंदी ले लो चाहे उर्दू ले लो, तो ये क्लास क्यों नहीं आ रहा है सामने, ये लोग किधर हैं? ऐसा नहीं कि कोई एज जो है
अच्छे लिखने वालों से खाली रहता है, लेकिन वो अच्छे लिखने वाले किधर हैं? अब जैसे अब हिंदी में भी आप देखिए, निराला है, माधवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, दिनकर है, दुष्यंत कुमार है, जैसे अभी अभी मैं परसाई जी को पढ़ रहा था, इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं, वो क्लास आज के हिंदी में क्यों नहीं दिख रहा है? या उर्दू में जो मीर है, गालिब है, इकबाल है, फैज है, फिराक है, जोश है, फराज है, अब से लेकर के अहमद नदीम कासमी है, इरफान सिद्दीकी है, ये क्लास कहाँ है? तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि अब जो मुशायरे कवि सम्मेलन हो रहा है वो एक्टिंग और परफॉर्मेंस की जगह बन गई है, बिल्कुल, उसमें सिर्फ कलाम कोई पढ़ता नहीं है और पढ़ने वाले बुलाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल, और इस वजह से दो चीजें हुई, एक तो वो लोग जो सेंसेबल थे, समझदार थे, अच्छे थे, या समाज को ओपिनियन मेकर जो थे, जिसको इलीट आप इलीट भी कह सकते हैं, वो मुशायरों और कवि सम्मेलनों से कट गए, और जाते भी है तो सिर्फ हंसने के लिए जाते हैं, मतलब बेसिकली एक फिल्म देखने के बजाय एक कवि सम्मेलन देख लिया, और एक नारेबाजी करने के लिए कहीं, और क्रिकेट मैच के बजाय एक मुशायरा सुन लिया मैंने। तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि अब हम शिकवा नहीं करेंगे, हम खुद अपनी तंजीम बनाएंगे। तो उसी हवाले से पासवान अदब मुंबई और जश्न अदब दिल्ली, इसकी बुनियाद हम लोगों ने डाली, और वहां हमने ये उसूल रखा है, ये प्रिंसिपल रखा है कि जो क्वालिटी लिटरेचर्स हैं, जो क्वालिटी राइटर्स हैं, हम उनको बुलाएंगे, हम उनको स्टेज देंगे और अच्छे सुनने वालों को उससे जोड़ेंगे। तो इसीलिए आज आप देखते हैं कि जो हमारा स्टेज है, उस स्टेज पे इंडिया और इंडिया के बाहर के जो बेस्ट राइटर्स हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनको स्टेज देते हैं, अच्छे लोगों को जोड़ते हैं, कॉरपोरेट को जोड़ते हैं उसमें, और कोशिश ये करते हैं कि लिटरेचर जो है वो सिर्फ एक सतही चीज होके नहीं रहे, उसमें एक कैथारसिस का असर हो, एफेक्ट हो, जिसके बारे में आप सोचें, रिफ्लेक्ट करें, घर जाके भी सोचें, जिसके वो आप अपने फैमिली के साथ बैठकर सुन सकें, और जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसमें कोई चीपनेस हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कोशिश है, और इसी सिलसिले से अपना लिटरेचर भी और अपनी तंजीमें भी काम कर रही है। जी जी, मैंने मैंने कई इवेंट्स उसके सुने हुए हैं, वाकई में बहुत ही कमाल का स्टेज है वो आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम सब चाहेंगे कि इतनी सारी बातें हुई हैं, कुछ कलाम अगर आपके हो जाए तो। बिल्कुल, मैं कुछ पेश कर देता हूँ। दरअसल मेरा कलाम भी वही है कि जो शायद मेरे दिल पे गुजरती है, तो मैं शुरू करता हूँ, चूंकि जो भी हमें मिला है, और मैं समझता हूँ किसी भी आदमी को मिलता है, वो उसके क्रिएटर की देन है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जिसको हम हम्द कहते हैं, हम्द के दो तीन अशआर में सुनाता हूँ, इसलिए कि शायद ग्रेटफुलनेस वो चीज है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो लोग भगवान के बारे में क्या क्या चीजें कहते हैं, कैसे लिखते हैं, मेरा टेक जो इस पे है वो भी देख लो जी, कि जो जाहिर है हर सू नेहा भी वही है, नेहा छुपा हुआ, जो जाहिर है हर सू नेहा भी वही है, यकीन है वही और गुमा भी वही है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। जो जाहिर है हर सू, जो जाहिर है हर सू नेहा भी वही है, यकीन है वही और गुमा भी वही है, तखय्युल में वो, इमेजिनेशन, तखय्युल, तखय्युल में वो दिल की गहराई में भी, तखय्युल में वो दिल की गहराई में भी, यहाँ तक के शगले जुबान भी वही है, शगले जुबान, जुबान का मशगला, जुबान क्या है भी, तो तखय्युल में वो दिल की गहराई में भी, यहाँ तक के शगले जुबान भी वही है, और नजर नजर में समाए समेटूं अगर मैं, नजर में समाए समेटूं अगर मैं, जो सोचूं तो मेरा जहां भी वही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। नजर में समाए समेटूं अगर मैं, जो सोचूं तो मेरा जहां भी वही है। बात को तो एक उसके और कुछ अशआर और देख लो के जी, हम जैसे लोगों के लिए, चूंकि अपनी जिंदगी कहानी आदमी सुना सकता है, कि है जहदे मुसलसल एक, जहदे मुसलसल कांस्टेंट स्ट्रगल है, जहदे मुसलसल एक हम ऐसों का जीना भी है, जहदे मुसलसल एक हम ऐसों का जीना भी, कब पार उतरता है हर एक सफीना भी। सफीना नाव, बहुत
बहुत खूब बहुत खूब। हाँ तो है जहदे मुसलसल हम ऐसों का जीना भी, जीना भी कब पार उतरता है हर एक सफीना भी, और फिर भी तो नहीं मिलती ख्वाबों से सजी नींदे, फिर भी तो नहीं मिलती ख्वाबों से सजी नींदे, कुछ लोग बहाते हैं हर रोज पसीना। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। फिर भी तो नहीं मिलती ख्वाबों से सजी नींदे, कुछ लोग बहाते हैं हर रोज पसीना भी, और कुछ लोग जिए मर कर, कुछ लोग मरे जी कर, कुछ लोग जिए मर कर और कुछ लोग मरे जी कर, एक ख्वाब है मरना भी एक ख्वाब है जीना। बहुत खूब बहुत खूब। कुछ लोग जिए मर कर, कुछ लोग मरे जी कर, एक ख्वाब है मरना, एक ख्वाब है मरना भी एक ख्वाब है जीना भी। और शेर देख लो के अब चूंकि ये मैंने कुछ तैयार किया था एक गद्दा के मुशायरे के लिए, लेकिन वो थोड़ा उसमें लेवल मैंने ऊपर करके रखा था, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको तलाश है अच्छी चीजों की, तो मैं अच्छी चीजें दे रहा हूँ आपको। देखिए चाट पकौड़े तो मिल जाएंगे किसी भी, बिल्कुल बिल्कुल, गली के किसी निकड़े मिल सकते हैं आपको चाट पकौड़े। वही वही जी, तो मैं वो दे रहा हूँ जो नहीं मिलती है। और शेर देखो कि अभी ना मायूस हो मेरे दिल, अभी ये सपने जगाए रखना, अभी ना मायूस हो मेरे दिल, अभी ये सपने जगाए रखना, भले ही कितनी हो तेज आंधी तू अपने शम्मे जलाए रखना, जलाए रखना। बहुत खूब बहुत खूब। अभी ना मायूस हो मेरे दिल, अभी ये सपने जगाए रखना, भले ही कितनी हो तेज आंधी तू अपनी शम्मे जलाए रखना। खबर है गर्म आज आएगा शहर में एक नया सितमगर, खबर यह है गर्म आज, खबर यह है गर्म आज आएगा शहर में एक नया सितमगर, खबर यह है गर्म आज आएगा शहर में एक नया सितमगर, सो जाने गुजरे वो कब इधर से, सो जाने गुजरे वो कब इधर से, तू घर का रास्ता सजाए रख, सजाए रखना। बहुत खूब। तो सो जाने गुजरे वो कब इधर से, तू घर का रास्ता सजाए रखना। और ये तर्क उल्फत एक इम्तिहान है या है हकीकत ये वो ही जाने, तर्क उल्फत मोहब्बत को छोड़ देना, ये तर्क उल्फत एक इम्तिहान है क्या है हकीकत ये वो ही जाने, अभी ताल्लुक न खत्म करना, अभी ताल्लुक न खत्म करना, अभी मरासिम बनाए रखना। क्या बात है, बहुत। तो ये है एक चंद अशआर और देख लो के रहता नहीं है दिल पे हमें इख्तियार भी, रहता नहीं है दिल पे हमें इख्तियार भी, तुझसे शिकायतें भी हैं तुझसे ही प्यार। क्या बात है, तुझसे शिकायतें भी हैं तुझसे ही प्यार भी, रहता नहीं है दिल पे हमें इख्तियार भी, तुझसे शिकायतें भी हैं तुझसे ही प्यार भी, और तू हम किनार, हम किनार एक ही किनारे पे एक साथ हो, तू हम किनार हो भी तो रहती है तिश्नगी, तिश्नगी प्यास, तू हम किनार हो भी तो रहती है तिश्नगी, आदत ही बन गया है तेरा इंतजार भी। क्या हो क्या हो, आदत ही बन गया है तेरा इंतजार भी। और एक लफ्ज आएगा अगले शेर में कि गम गुसार गम बांटने वाले, तो बाजार अहदनो, अहदनो नया एज न्यू एज, बाजार अहदनो न्यू मार्केट नए लोग, हाँ तो बाजार अहदनो से उन्हें क्या नहीं मिला, बाजार अहदनो से उन्हें क्या नहीं मिला, ले आए हैं किराए पे वो गम गुसार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ले आए हैं किराए पे वो गम गुसार भी। और कभी ट्रेडिशनल रंग जो कभी लिखा जाए तो एक दो अशआर उसका आप देख लीजिए कि हिजरो विसाल तेरा हुस्नो जमाल तेरा, हिजर बिछड़ना विसाल मिलना, तो हिजरो विसाल तेरा
हुस्नो जमाल तेरा है मीर की गजल सा ये खत खाल तेरा। क्या बात है, बहुत अच्छा। है मीर की गजल सा ये खत खाल तेरा। और इसमें एक शेर हम जिसको कहते हैं क्रिएटर की तारीफ में, लेकिन इसको कैसे बढ़ता है वो देखो कि जलवों से बालातर है यू आर बियॉन्ड ऑल एक्सप्रेशंस। जलवों से बालातर है फिर भी तू एक हकीकत। जलवों से बालातर है यू आर बियॉन्ड ऑल एक्सप्रेशंस स्टिल यू आर द फैन। जलवों से बालातर है फिर भी तू एक हकीकत। फानी मिटने वाला फानी हरेक शय है ये भी कमाल तेरा। बहुत फानी हरेक शय है ये भी कमाल तेरा। जलवों से बालातर है फिर भी तू एक हकीकत। फानी हरेक शय है ये भी कमाल तेरा। तो कभी कभी ये रंग भी आता है। तो जी। ये कुछ चीजें थी जी। और अगर चाहोगे थोड़ा और सुना दूंगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। महफिल एक पता ना धीमे धीमे करके उसमें एक जान पड़ती जाती है, एक पीक पॉइंट आता है। इसमें तो कभी ना वाली बात नहीं आती। तो दरअसल क्या है, आप शेर देखो, मतलब ये शेर आपको मिलेंगे नहीं जी। अब देखो कि कहीं ना जाके वहीं पर ये रह गुजर निकले, रह गुजर रास्ता। कहीं ना जाकर वहीं पर ये रह गुजर निकले, कहीं ना जाकर वहीं पर ये रह गुजर निकले। ये दायरों का सफर, दायरा सर्किल्स, ये दायरों का सफर ही जहां सफर निकले। सही, वाह वाह, क्या बात है। कहीं न जाके वहीं पर ये रह गुजर निकले, ये दायरों का सफर ही जहां सफर निकले। और मिटाना यूं भी किसी फिक्र का है नामुमकिन। मिटाना यूं भी किसी फिक्र का है नामुमकिन। तुम्ही ने बोए थे खेतों में सर तो सर निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिटाना यूं भी किसी फिक्र का है नामुमकिन। तुम ही ने बोए थे खेतों में सर सर निकले। ये एक बार फिर पढ़ दीजिए, इसी को एक बार इस कलाम को फिर पढ़ दीजिए। मिटाना यूं भी किसी फिक्र का है नामुमकिन। इम्पॉसिबल है, थॉट नहीं जाता है। बिल्कुल। मिटाना यूं भी किसी फिक्र का है नामुमकिन। तुम्ही ने बोए थे खेतों में सर तो सर निकले। बहुत बहुत बहुत। और ये ख्वाहिशात भी दुश्मन से कम नहीं अपनी। ख्वाहिशात इच्छाएं, ये ख्वाहिशात भी डिजायर्स, ये ख्वाहिशात भी दुश्मन से कम नहीं अपनी। नहीं निकलना था घर से हमें मगर निकली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। ख्वाहिशात भी बहुत अच्छा है। दुश्मन से कम नहीं अपनी, नहीं निकलना था घर से हमें मगर निकले। और हुआ है यूं भी मोहब्बत में राह चलते हुए। हुआ है यूं भी मोहब्बत में राह चलते हुए। शुरू कहीं से हुए जाके उनके घर निकले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत हुआ अच्छा। है यूं भी मोहब्बत में राह चलते हुए। शुरू कहीं से हुए जाके उनके घर निकले। घर निकले तो कमाल। ये अच्छा। कुछ अशार हैं कि अब जैसे एक रंग देखो, ये दरअसल मैं नीरज जी को सुनने के लिए गया था। नीरज जी से मेरे बड़े दरीना ताल्लुकात है, बहुत चाहते और मानते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत बार हमारे प्रोग्रामों में आए वो। और जब उनका लास्ट मुशायरा हुआ है जी, तबीयत उनकी सही नहीं थी, व्हीलचेयर पे आते थे तो ज्यादातर रुक नहीं सकते थे, एक आदमी रहता था। तो मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि तुम पढ़ो, मैं तुमको सुन के फिर पढ़ूंगा और जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी मोहब्बतें थी। बिल्कुल। तो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उनकी बड़ी मशहूर नज्म है। मैं जब उनको सुनने के लिए गया तो मुझे ध्यान में आया कि कभी एज ए ट्रिब्यूट मैं भी कभी एक लिखूंगा। तो ये बस उसी रंग पे है, इसको मैं पेश करता हूँ। कुछ अशआर इसके सुनाता हूँ कि हम जमी का आतिशी उभार देखते रहे। आतिशी उभार, ज्वालामुखी जब कभी जमीन से निकलता है तो क्या होता है, अंदर आग होती है, ऊपर से ठंडा होता है ना। और जमीन को ऊपर कर देता है, खुला देता है। तो हम जमी का आतिशी उभार देखते रहे, हम जमी का
आतिशी उभा देखते रहे, सहमे सहमे ही से बस गुबार देखते रहे। क्या बात है, क्या बात है। सहमे सहमे ही से बस गुबार देखते रहे, शोहरतें ये दौलतें ये मसनदें मिली वहम। शोहरत दौलत तो सब जानते हैं, मसनद चेयर्स पोजीशन अथॉरिटी। शोहरतें ये दौलतें ये मसनदें मिली वहम, लेकिन हम पर को छोटा है। शोहरतें ये दौलतें ये मसनदें मिली पर हम बेनियाज ही रहे, इंडिफरेंट रहे, बेनियाज ही रहे, हजार देखते रहे। क्या बात है, क्या बात, बहुत शोहरतें ये दौलतें ये मसनदें मिली पर हम बेनियाज ही रहे, हजार देखते रहे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर। देखो ये जिंदगी की सच्चाई का शेर कि उनको फिर अमान कब नसीब होनी थी कि जो उनको फिर अमान अमान पीस उनको फिर अमान कब नसीब होनी थी कि जो उनको फिर अमान कब नसीब होनी थी कि जो हर मुकाम से रहे फरार देखते रहे फरार भागने का रास्ता। उनको फिर अमान कब नसीब होनी थी कि जो हर मुकाम से रहे फरार देखते रहे, और एक 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 करके कत्ल हो रही थी फिर भी हम एक एक करके कत्ल हो रही थी फिर भी हम एक एक करके कत्ल हो रही थी फिर भी हम अपनी ख्वाहिशों की एक कतार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और ये जितने आर्टिस्ट लोग हैं, तुम भी आर्टिस्ट हो, तो तुम्हारे लिए शेर कि बाहर अपने खोल से ना सके तमाम खोल जो ओढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर अपने खोल से ना सके तमाम उम्र, हम दरूने जात विदिन अपने जात के अपने एग्जिस्टेंस के विदिन। बाहर अपने खोल से ना सके तमाम उम्र, हम दरूने जात खल्फिशार देखते रहे। क्या खुशार उठा पटक, क्या बात, बहुत बहुत। तो बाहर अपने खोल से ना सके तमाम उम्र, हम दरूने जात खल्फिशार देखते रहे। और शेर देखो, और इसको इसमें हिंदुस्तानी लफ्ज ये देसी लफ्ज कैसे इस्तेमाल हुआ है वो भी देखना कि एक हम ते दहर में दहर दुनिया, एक हम ते दहर में जो वक्त से भी लड़ गए बेवकूफ लोग हमारे जैसे, एक हम ते दहर में जो वक्त से भी लड़ गए, एक हम ते दहर में जो वक्त से भी लड़ गए, लोग जैसी भी चली बयार देखते। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग जैसी भी चली बयार देखते रहे, और तेरे बिन हयात की सोच भी गुनाह थी। मोहब्बत शेर देखो कि तेरे बिन हयात की सोच भी गुनाह थी, तेरे बिन हयात की सोच भी गुनाह थी। हम करीब जाम जान के करीब, हम करीब जान तेरा हिसार देखते रहे। तेरी बहुत अच्छा। जान को कैद कर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम करीब जान तेरा हिसार देखते रहे, और खालिद ऐसे भी तो हैं किनारे बैठ कर ही जो ये मक्ते का शेर है कि खालिद ऐसे भी तो हैं किनारे बैठ कर ही जो बहर में बहर समुद्र में पानी में बहर में उताओ और बहर में चढ़ाओ और उतार देखते रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ऐसी भी है। और चीजें कैसे होती है कि अभी जैसे देखो सारी चीजें बदल रही हैं। हमारे एज का जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि ना सिर्फ ये बदलाव हो रहा है बल्कि अभूतपूर्व गति से बदलाव हो रहा है। मतलब पहले जो भी स्पेस था उससे हजारों हजार गुना तेजी से बदलाव आ रहा है। तो सारी चीजें बदल रही हैं, सारे फाउंडेशंस चैलेंज हो रहे हैं। तो उस हवाले से अब इसको शायरी में कैसे बरता जाएगा, तो ये ख्याल बहुत दिन तक मुझे परेशान करता रहा। शेर है कि ये जमानो मका का सितम भी नया, जमा टाइम मका स्पेस ये जमानो मका का सितम भी नया, तेरा गम भी नया मेरा गम भी। क्या बात क्या बात। ये जमानो मका का सितम भी नया,
तेरा गम भी नया, मेरा गम भी नया। और वैल्यू सिस्टम जो बदल रहा है उस पे शेर की शोखी हुस्न, हुस्न की शोखी, हुस्न की एक्सप्रेशंस, ब्यूटी की एक्सप्रेशन, शोखी हुस्न शहरों में यूं अल्लामा अल्लामा पनाह मांगता है जान बचा। तो शोखी हुस्न शहरों में यूं अल्लामा साथ मौसम के बदले सनम भी नया। क्या खूब, क्या बात है, बहुत अच्छा, सीजनल महबूब होने लगे। बहुत तो शोखी हुस्न शहरों में यूं अल्लामा साथ मौसम के बदले साथ साथ मौसम के बदले सनम भी नया। और शेर के बदगुमानी ने मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बारे में जो हमारा दुर्विचार है, बदगुमानी ने तब्दील महवर किए, महवर एक्सिस कहते हैं किसी एक्सिस पे जो चीज घूमती है जो फाउंडेशन स्टोन है, तो बदगुमानी ने तब्दील महवर किए, बदगुमानी ने तब्दील महवर किए काबा उसका तो मेरा सनम भी नया। क्या बात है, काबा उसका तो मेरा सनम भी नया। और एक शेर देखो कि ये बिल्कुल जो चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, इस्तलाह कहते हैं सिमिली सिंबलिज्म, ये जिहाद आप सुनते रहते हैं ना, इस्तलाहे जिहाद द सिंबलिज्म ऑफ जिहाद, इस्तलाहे जिहाद आज बदली है यूं, इस्तलाह द सिंबलिज्म ऑफ जिहाद हैज चेंज इन सच अ फैशन, इस्तलाहे जिहाद आज बदली है यूं, करबला है नई और अलम भी नया। अलम कहते हैं झंडे को, क्या करबला एक बड़ा, आज तो 10 मुहर्रम है, करबला की याद है। तो आज का जिहाद, इस्तलाहे जिहाद आज बदली है यूं, करबला है नई और अलम भी नया नया। तो ये कुछ चीजों को मैंने रिफ्लेक्ट किया है कि लाज, इसका मकसद सुन कि लाज खालिद की रख ले खुदाया जरा, लाज खालिद की रख ले खुदाया जरा, तुझसे बांधे ये हर दिन भरम भी नया। क्या बात है, तुझसे बांधे ये हर दिन भरम भी नया। तो इस किस्म का इशारा होते हैं, मैंने कुछ गजलें सुनाई, नज्म सुन लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल, तो वो भी एक रंग है। एक नज्म तो जो जिसको दो तीन लोगों ने गाया है वो यूट्यूब पे है, कई लाख उसके व्यूज भी हो गए, मिलने दो अब मिलने दो ना। लेकिन एक दूसरी नज्म मैं इसलिए सुनाता हूँ कि ये नज्म मुझे बहुत पसंद है जी। और ये नज्म दरअसल क्या है कि मोहब्बत पे कही गई है। दुनिया में चूंकि शायद ही कोई आदमी होगा जिसने प्यार नहीं किया होगा, मोहब्बत नहीं की होगी, तो मोहब्बत पे जब आप गुफ्तगू करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या बात करेंगे। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा और मेरी कोशिश ये होती है कि जब कोई पहलू आ जाए, कोई ख्याल आ जाए, तो उसको मैं अलग से कैसे मान लूंगा। जब तक आप अलग से उसको नहीं मानते हैं तो तब तक दुश्वारी क्या हो जाती है कि फिर आप दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये कोशिश मैंने बहुत दिनों तक की और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जहन ख्याल आ गया जी। भाई वो जो है इसमें क्या कहना है मुझे, तो वो नज्म मैं सुनाता हूँ। और ये इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो जिंदगी है इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते लिखते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारा कुछ एक फैक्ट्री का माल लगता है। मतलब अगर आप पैकेजिंग बदल दें तो आप बता नहीं सके कौन सी फैक्ट्री में बना था ये। सही है, सही है। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि शायरी वैसी नहीं होनी चाहिए, जब शायरी आपकी है तो उस पर आपकी छाप होनी चाहिए जी। तो ये जो है ये वो नज्म है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, अब इसको आप मोहब्बत समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। ये यूं है कि ऐ साकिनान रंग गु, साकिन रहने को कहते हैं ना, साकिन पोस्ट लिखते तो पुराने हिंदी में भी, कि जहां आप रहते हैं तो रंगो गु में रहने वाले लोग, ये बिहार में तो बहुत मशहूर चीज है साकिन पोस्ट, मतलब जगह गांव। तो रंगो गु दुनिया, ऐ साकिनान रंगो गु, दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं जो रंगो गु के गांव में रहते हैं, ऐ साकिनान रंगो गु, गर है तुम्हें भी जुस्तजू,
ऐसा के नान रंग बू गर है तुम्हें भी जुस्तजू कुए निगारा के यहाँ। कुए निगार खूबसूरती का इलाका गली मतलब महबूब की गली। ऐसा के नान रंग बू गर है तुम्हें भी जुस्तजू कुए निगारा के यहाँ दिखलाए तुमको वो जहाँ जिसकी तलब भी है अजब जिसका सबब भी है अजब सबब कारण। तो ऐसा के नाने रंगबू गर है तुम्हें भी जुस्तजू कुए निगारा के यहाँ महबूब की गली में जाना है तो ऐसा के नाने रंगबू गर है तुम्हें भी जुस्तजू कुए निगारा के यहाँ दिखाए तुमको वो जहाँ जिसकी तलब भी है अजब जिसका सबब भी है अजब जिसकी तमन्ना है हसी महबूब जिसकी तमन्ना है हसी जिसमें मिले कल्बे हजी कल्बे हजी दुखी दिल। जिसकी तमन्ना है हसी जिसमें मिले कल्बे हसी रस्ते हैं जिसके पुर खतर रस्ते पर खतरा ही खतरा है कभी माँ बाप कभी भाई बहन कभी कुछ कभी समाज रस्ते हैं जिसके पुर खतर मंजिल न जिसका राह कोई गाइड नहीं है उसमें सही बात है और कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है कहाँ जाएगा बिल्कुल। तो रस्ते हैं जिसके पुर खतर मंजिल न जिसका राह बर हद्दे नजर सहरा जहाँ डेजर्ट ही डेजर्ट है सारा डेजर्ट हद्दे नजर सहरा जहाँ दिल में रहे कोहरा जहाँ। क्या बात है हद्दे नजर सहरा जहाँ दिल में रहे कोहरा जहाँ जिसके उसूल जिंदगी प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या है इसका जिसके उसूल जिंदगी चाहत ही जिसमें बंदगी बिल्कुल जिसके उसूल जिंदगी चाहत बंदगी इस राह में जो मर मिटे मरकर भी वो जिंदा रहे सही इस राह में जो मर मिटे मरकर भी वो जिंदा रहे कहते हैं जिसको इश्क हम वो है सरापा गम ही गम। क्या बात है क्या खूब बहुत अच्छा पेन एम्बॉडीड बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं जिसको इश्क हम वो है सरापा गम ही गम। अब आ गया ये इश्क क्या है ये भी मगर सच्चाई है कहते हैं जिसको इश्क हम वो है सरापा गम ही गम इस राह में वो आए जो खोकर खुशी गम पाए जो इस राह में वो आए जो खोकर खुशी गम पाए जो ये भी मगर सच्चाई है सबने ये ना मनवाई है ये भी मगर सच्चाई है सबने नियामत पाई है इश्क से किसको मफर मफर फरार कौन भाग सकता है इश्क से किसको मफर होता है कब ये सोच है इश्क से किसको मफर होता है कब ये सोच कर महरूम जो इससे रहा हमको न वो इंसान मिला महरूम जो इससे रहा हमको न वो इंसान मिला हर दिल में इसकी चाह है मंजिल न इसकी राह है हर दिल में इसकी चाह है मंजिल ना इसकी राह है और है इश्क से अर्जो फलक अर्ज जमीन फलक आसमान ये अट्रैक्शन नहीं होता ना तो दोनों अपनी जगह नहीं होते तो है इश्क से अर्जो फलक है इश्क से जिन्नो मलक जिन जिनको कहते हैं मलक फरिश्ता इसलिए बनाए गए कि प्यार था अल्लाह को देखना था बिल्कुल है इश्क से अर्जो फलक है इश्क से जिन्नो मलक है इश्क ही से कायनात सब अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा है सही है इश्क से काय है इश्क ही से कायनात और इश्क ही से अपनी जात अगर इश्क नहीं होता तो आज हम नहीं होते बिल्कुल है इश्क ही से कायनात और इश्क ही से अपनी जात ये फितरत इंसान है नेचर इंसान ये फितरत इंसान है ये हाजत हैवान है हाजत जरूरत हैवान जानवर तो जानवर की जरूरत है बिल्कुल ये फितरत इंसान है ये हाजत हैवान है इस इश्क से दुनिया मिले इस इश्क से दुनिया मिले इस इश्क से उकबा मिले दुनिया के बाद की जो दुनिया है वो भी इसी से मिलने वाली तो इस इश्क से दुनिया मिले इस इश्क से उकबा मिले इससे जिसे इनकार है इससे जिसे इनकार है वो सोच ही बीमार है बिल्कुल इससे जिसे इनकार है वो सोच ही बीमार है बस इश्क से
क्या है गीता, अलग क्या है, क्या नहीं मिल सकता, बस इश्क से क्या है जुदा, है इश्क का हासिल खुदा। क्या बात है, क्या बात, बहुत है इश्क का हासिल खुदा, ये है इश्क जी। बहुत ही कमाल की नज़्म थी आपकी, बहुत ही कमाल। और देखिए कभी मौका मिला तो कभी आपको लाइव कभी आपके उसमें आके सुनने का मौका मिले दिल्ली या मुंबई तो कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छा एक एक सवाल था मेरा आपसे, ये है कि इतना अच्छा बैलेंस, एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और एक साहित्य के लिए भी, और कोई साहित्य में भी कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है, ये इतना अच्छा बैलेंस बना के कैसे चल पाते हैं? ये देखो मुश्किल तो होती है, इसमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जैसे पहली कुर्बानी ये होती है कि आपको गॉसिप बंद करना पड़ता है, आपको फालतू लोगों के साथ उठना बैठना बंद करना पड़ता है, और आपको किसी चीज को बहुत इंटेंसली और बहुत अंदर तक जाकर देखना पड़ता है, और आपको एक जो हाई पेडेस्टल पे आप ऑफिसर कहने वहां से उतरना पड़ता है। तो मैं पैदल चलता हूँ, मैं लोगों के दरमियान भीड़ में रहता हूँ, मुझे लोग पहचानते नहीं है, शायद मैं बताऊं मेरा नाम जानते होंगे। हाँ। मैं बस स्टैंड पे बैठूंगा, कभी लोगों को देखूंगा, मैं बस से चलूंगा, कभी लोकल ट्रेन से चलूंगा, मैं कभी यहाँ पे मरीन ड्राइव पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं देखूंगा लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। फिर आप हर क्लास में आपको उठना बैठना जाना होता है, आपको स्लम में भी जाना होता है, वहां एक बच्चे से लेके एक बड़े से बात करनी पड़ती है, उनके थॉट को सुनना पड़ता है, उनकी लाइफ को देखना पड़ता है, उनके एम्बिशंस को सुनना जानना पड़ता है, उनके सपनों को फील करना पड़ता है, तो वहां से लेके एक हाई एंड सोसाइटी तक। तो इसमें बहुत वक्त लगता है, और इसमें बहुत ये कहो कि मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत ही शार्प होना चाहिए, मतलब जितने भी लोग आर्टिस्ट हुए, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे मिमिक्री में हो, चाहे राइटिंग में हो, परसेप्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि दुख आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मैं अक्सर इसकी मिसाल ये देता हूँ, जैसे ब्रेन हेमरेज का कोई पेशेंट अगर बाहर से देख लो तो हो सकता है कि उसको कुछ चोट नजर नहीं आएगी, लेकिन जब उसका खोलो के स्थल तो अंदर में बहुत गहरी चोट मिलेगी जी। तो राइटर आर्टिस्ट ये लोग बड़े सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को इंटेंसली फील करते हैं, तो उसको डांटना भी बड़ा मुश्किल होता है, वो डांट खाना भी उसको मुश्किल होता है, और जिंदगी में जो इम्परफेक्शन है, जो नाकामियां हैं, जो धोखे हैं, जो तकलीफें हैं, वो आम लोगों से बहुत ज्यादा महसूस करता है वो जी। लेकिन इसी से फिर बिल्कुल सागर मंथन आप पूरा कीजिएगा तो फिर छोटा सा अमृत का एक प्याला निकलता है, तो आर्ट अमृत है, तो उसके लिए सागर मंथन करना पड़ता है, पहले विष पीना पड़ता है। यानी कि एक आप वर्दी उतारने के बाद एक शायर मरीन ड्राइव पर घूमता है, ऑब्जर्वेशन करता है, और फिर वो अपने ख्यालों को कलाम में बदलता है। कोई एक आम आदमी की जिंदगी आप जब तक नहीं रखिएगा तो, और फिर दूसरों के साथ जो दुख दर्द है उसको सुनना पड़ता है, और बहुत पेशेंटली सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, पर्सपेक्टिव। और मेरी शायरी जैसे तुमने भी देखा ना कि मैं खुद मौजूद नहीं हूँ, मैं जिन चीजों को महसूस कर रहा हूँ और ये जिन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे वो लगता है कि वो दिल की आवाज किसी की भी हो सकती है, वो चीज वहां पे आ रही है। मतलब जैसे अब मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ कि एक बार मैं जा रहा था कहीं पे, इन फ्लाइट मैगजीन होती है ना जहाज वगैरह में, तो अब वक्त गुजारने के लिए मैं पढ़ते रहता था, तो एक बार यहाँ पे एक बड़ा म्यूजियम है मुंबई में, उस पे एक 7-8 पेज का आर्टिकल था, फोटोग्राफ्स थे, तब मुझे यहाँ रहते रहते 8-9 साल हो गए थे मुंबई में, मैं वो म्यूजियम देखने कभी नहीं गया जी। तो एक आम आदमी तो उसको पढ़ लगा, वे म्यूजियम में ये चीज है, ये आर्टिफैक्ट है, ऐसा है वैसा है, मैं ये सोचने लगा कि मेरा रिश्ता क्या है इस शहर से, क्या मैंने इसको अपना किया है, मैं क्यों नहीं जानता हूँ, क्या मुझे इतना वक्त नहीं मिल सका कि इतनी बड़ी चीज जाके देख ना सकूं। अब वहां से बात शुरू हुई, अब तकलीफ कहाँ होती है, बात वहीं खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर वो जो 2-2.5 घंटे का सफर था उसमें ये सोचा मेरा खुद से क्या रिश्ता है, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को पहचानता हूँ क्या। तो फिर एक शेर वहां पे लिखा उसके एक आदमी से, मैं सुना देता हूँ, यकीन है यूं तो मुझे भी क्या आदमी हूं मैं, यकीन है यूं तो मुझे भी क्या आदमी हूं मैं, दरूने ज़ात
विद इन माई सेल्फ, दरून ज़ात मगर खुद से अजनबी हूँ मैं। क्या बात है, बहुत तो ये जो चीज है, तो अब आप जी अप्लाई, ये हर किसी पे अप्लाई होता है, मतलब किसको किसने कौन सोच कर, कितने लोग बैठ के सोचते हैं कि मैं एक्चुअली मैं हूँ क्या, या मैं क्यों यहाँ आया हूँ, या मैं जहाँ रह रहा हूँ उससे क्या रिश्ता है, उस शहर से, उस गांव से क्या जिम्मेदारियां हैं, वो तकलीफ हो जाती है ना। तो उसमें फिर क्या होता है कि आदमी, तो आप सोचो कि हजारों लोगों ने उस मैगजीन को पढ़ा होगा, पिक्चर्स देखे होंगे, लेकिन वो जो एक जहन में कुलबुली होती है या परेशानी होती है, ये बहुत कम लोगों को हुई होगी। तो ये आर्टिस्ट की प्रॉब्लम है, शायर का या क्रिएटिव आदमी का ये प्रॉब्लम है कि वो सुकून उसके जिंदगी में जरा कम होता है, अनलेस कि वो उस चीज को एक्सप्रेस कर दे और उसको दूसरे तक पहुंचा दे कि भाई ये मैं ऐसा सोच रहा था, जरा तुम भी सुन के देखो क्या तुमको भी लगता है कि इसमें कुछ है, तथ्य है। तो इट्स लाइक दिस, बट अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी वो गालिब ने कहा था, हम भी क्या याद रखते हैं, हम भी क्या खुदा रखते थे, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे, ऐसा गालिब का एक शेर है, पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, बट यही है कि अब लोग क्या सुनते हैं। मैं अभी कल नहाने जा रहा था, तो अमूमन कुछ म्यूजिक लगाते हैं लोग ना, आप सोचो कि ट्रेंडी बीट मेटल ये चीजें, बच्चों को हमारे तो बच्चे हैं तो देखता हूँ। अब मुझे जहन में आया कि मैंने सुनना चाहिए कि इसको निदा को, कि शाम से आंख में नमी सी। तो अब आप ये देखिए कि जहन कहाँ काम करता है, क्या ऐसे उनकी गजल है ना, आज फिर तुम्हारी कमी सी, ऐसा कुछ एक गजल है ना जी, वो चीजें हैं। या कल परसों फिराक का बर्थडे था, तो अब जो है मैं उसको ढूंढने लगा कि तबीयत जब भी घबराती है, जैसा सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो अब ये सुबह उठता हूँ तो हमेशा जहन में कुछ ऐसा ख्याल ऊपर वाला डाल देता है कि ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है कि मतलब लाइफ आसान नहीं होती क्रिएटिव आदमी की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं जी, तो वो ये जान लें कि ये जैसे तपस्या होती है ना, ये तपस्या है और इसमें फिर सब चीज छोड़ना पड़ता है कि आपको बहुत सारी चीजों को कुर्बान करना पड़ता है, और वो दुख उठाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उसके सिवा आप सच्चा शेयर नहीं कह सकते। बिल्कुल, नकली बन के आप नहीं, एक शहर नकली शहर नहीं बन सकते। वो कहीं कहीं से उठा उठा के चिपका के शायरी बना देना और वो फेसबुक पे चिपका देना, जो कि एक मेरा शेर है वो सुन लो इस हवाले से के उसका मतलब ये मतलब बदो शेर सुनाता हूँ कि आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुजर गया, आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुजर गया, अरसा पीरियड इम्तिहान का जो पीरियड था, आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुजर गया, पाया था उम्र भर में जो पल में बिखर गया, और ऐसी मुनाफिकत मुनाफिकत हिपोक्रेसी, ऐसी मुनाफिकत की फिजा थी के शहर में, ऐसी मुनाफिकत की फिजा थी के शहर में, मैंने ही सच कहा था सो मेरा ही सर गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूब। जी अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और देखिए, अगर मेहरबानी रही ऊपर वाले की, तो कभी आपको सामने से सुनने का मौका मिलेगा, कभी दिल्ली या बिल्कुल इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।